गुड इवनिंग एवरीवन, हाय अमृतन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लरिकल मेंस को लेके काफी अच्छी चल रही होगी, काफी स्मूथ चल रही होगी। खैर, इस वीडियो में आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जो कि मैंने पिछले 2 सालों में एक्सपीरियंस की, जिससे मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस रुका है। ऐसा नहीं था कि मेरा मतलब ऑलमोस्ट लाइक मैं ऐसी कुछ गलतियां की जो कि अक्सर बहुत एस्पिरेंट करते हैं, क्योंकि अब जॉब तो लग गई है, खैर उसमें कोई इशू नहीं है, मगर कैसा है ना कि बहुत लोग इस टाइम वैकेंसी बहुत अच्छी है, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा चांस है आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन लेने का। तो कोई भी आपकी छोटी सी गलती ना आपको सिलेक्शन से बहुत दूर कर सकती है। तो वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी फ़ायदा होगा। यदि लगे कि वीडियो काफ़ी अच्छा बना है, बढ़िया लगा आपको, एक मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ मैंने भी करी थी कभी लाइफ में, तो ज़रूर अपने कमेंट डाउन में बताना अपना एक्सपीरियंस। खैर, सबसे पहले जो गलती मैंने की थी, मैंने 2 साल लगातार मेंस दिया आईबीपीएस पीओ का। जो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने क्या सोचा था कि मैंने पूरा टाइम करंट अफेयर्स को ही दिया था, और आईबीपीएस के अंदर हर सेक्शन का एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, और मेरा ये सोचना था कि भाई करंट अफेयर्स पढ़ो, इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि हम प्री का इंग्लिश में जब अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो मेंस में भी कर ही सकते हैं, और उस टाइम का इंग्लिश काफ़ी ईजी भी आया था और मेरा अटेम्प्ट भी थोड़ा डिसेंट हो गए थे। बट जब कट ऑफ देखा मैंने, 14.5 मार्क था मेरा, 11.5 मार्क स्कोर था, तो मेरा कट ऑफ ही निकला नहीं, तो डिस्क्रिप्टिव तो बहुत दूर की बात है। तो एक चीज बोलना चाहूँगा, आप पूरा टाइम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को मत दो। अब तो खैर दिन बचे नहीं है, 2 दिन बाकी है, तो मेरा मानना ये है करेंट अफेयर्स अब जितना हो चुका है उसको रिवाइज करो, ज्यादा उस पर लोड मत डालो, पहली पॉइंट। दूसरी चीज ये कि बहुत लोग डिस्क्रिप्टिव को, इनफैक्ट मैं भी उसमें कंसिडर करता हूँ अपने आप को, सोचता था कि भाई डिस्क्रिप्टिव तो ऐसा है ना, हमने तो स्कूल में लिखा ही है डिस्क्रिप्टिव लेटर ऐसे, तो ये भी लिख लेंगे। मगर एक बात बोलो, जब आधे घंटे वो टप 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 दिमाग में वो बजते ना कीबोर्ड की नॉइस, हम अच्छा भला कंसेप्ट भूल जाते उस टाइम पे। तो इसलिए बोलूंगा पहले से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क का है, जिसमें से 15 मार्क का आपको ऐसे आएगा और 10 मार्क का लेटर आएगा, और लेटर में अक्सर लोग इनफॉर्मल सोचते कि भाई हम अच्छा खासा चेप देंगे पेपर में और मार्क्स मिल जाएंगे, मगर ये आपका मिथ है। फॉर्मल में बहुत कम लिखना पड़ता है, और यदि हमने सही तरीके से उसके लिखे तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। और डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत लोग अभी भी कन्फ्यूज है कि भाई लास्ट मोड में कहाँ से पढ़ ले, तो गाइडली का फ्री बंडल है, 40 ऐसे के सेट, 20 इनफॉर्मल 20 फॉर्मल लेटर के सेट्स है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उससे जाके पढ़ सकते हो, काफी हेल्प होगी। मैं भी उसी से कर रहा हूँ, इनफैक्ट मेरे भी काफी दोस्त लोग उसी से ही कर रहे हैं। बाकी आप लोग की चॉइस है, फ्री में है, पढ़ना नहीं पढ़ना वो आपकी चॉइस है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके जरूर पढ़ना, काफी हेल्प होगी। उसके बाद जो थर्ड मिस्टेक मैंने की थी, हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग आता है तो हम रीजनिंग जैसे ही आता है पहले पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते, मगर हम अपने पेपर में 5 से अगर 8 मिनट इन्वेस्ट करें ना कि कौन से क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने, तो हम 50 मिनट के अंदर पेपर उतना सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग के अंदर हर चीज सॉल्व करने वाली नहीं होती है, बहुत लोग गलती करते हो, पेपर जैसे ही आया वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट हुआ नहीं आया दूसरा क्वेश्चन, टाइम वेस्ट हुआ नहीं आया दूसरा क्वेश्चन। इससे क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना उस पर हम पैनिक होके उसको भी हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो पहले स्टार्टिंग के कुछ मिनट इन्वेस्ट करो, पेपर देखो, मार्क रिव्यू करो, और आगे के 50 मिनट को पूरा यूटिलाइज करो और उसको सॉल्व करो, स्कोर काफी अच्छा आएगा। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें चॉइस नहीं आती सिलेक्शन करने की। लाइक लास्ट ईयर मुझे पता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मैथ्स के अंदर 6 क्वेश्चन, लाइक लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस के अंदर पेपर मैथ्स का बहुत डुएबल था, और उसमें एक डीआई था जो कि 6 मार्क का था, 1-1 मार्क का 1 क्वेश्चन था, वो बहुत ईजी था, मेरी फ्रेंड ने वो ही मिस कर दिया। ऑल्दो उसने पीओ मेंस क्वालिफाई किया, मगर वो यदि वो क्वालिफाई मतलब वो अगर कर लेती तो शायद वो आज के टाइम में बैंक के अंदर होती, ना कि वापस से पीओ मेंस प्रिपरेशन कर रही होती। तो सही चॉइस करना क्वेश्चन की आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको सेक्शनल टेस्ट लगानी चाहिए या मॉक टेस्ट लगानी चाहिए, मगर अभी इतना टाइम नहीं है, बट ये चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। बाकी यदि लगा, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया भाई,
मेरे मतलब जो मैंने गलतियां की थी बस मैं वही बता रहा हूँ, और ये गलती आप लोग ना करो बस इसलिए ये वीडियो है। बाकी यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी IBPS क्लर्क का भी स्कोर कार्ड रिलीज होने वाला है, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर IBPS PO मेंस। बाकी मिलते हैं, तब तक जय श्री राम, राम राम।